स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग और कट ऑफ के बारे में। आपके मन में अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इस समय ये दो क्वेश्चन लगातार आ रहे होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग की प्रक्रिया किस तरह से होती है और इसके कट ऑफ क्या रहते हैं। तो कट ऑफ पर ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। काउंसलिंग की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है काउंसलिंग के लिए अभी अपना एडमिशन पोर्टल ओपन नहीं किया है, जल्द ही ओपन करेगा और जो भी अपडेट होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हमारे चैनल अर्थात स्कोप 360 पर आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया जाएगा। और कट ऑफ की मैं बात करूँ तो ये मान के चलिए आपने जितना भी जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं अगर उसका मतलब कि 65 प्लस नंबर आपको परसेंटेज में है तो ये मान के चलिए कि आपका मेन कैंपस में हो जाएगा। जिनका मेन कैंपस में नहीं होगा वो निराश हो जाते हैं, फिर वो जो है अपने पढ़ने की इच्छा छोड़ देते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैंपस के अलावा भी जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वो एकदम कैंपस जैसा माहौल देते हैं। तो कई सारे कैंपस हैं, मतलब कि कैंपस के अलावा जो आपके एफिलेटेड कॉलेज हैं जैसे आपका CMP हो गया, ADC हो गया, इविंग कॉलेज, ECC हो गया, इसके अलावा भी और कॉलेजेस हैं। तो अब इसमें भी सवाल ये उठता है कि कौन सा एफिलेटेड कॉलेज सबसे बढ़िया होगा। अगर आप एफिलेटेड कॉलेज पर वीडियो चाहते हैं और काउंसलिंग की प्रक्रियाओं को आप जो है मतलब कि समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एफिलेटेड कॉलेज पर वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।